आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वित्तिम कप्पे माना। गृहस्थ होता है वह आजीविका के लिए कोई प्रयास करता है, पर वह प्रयास किस रूप में हो, धर्म के साथ हो, यानी आजीविका के साथ भी धर्म को जोड़ दिया जाए। धर्म और कर्म दोनों अभिन्न रहें तो आजीविका एक कर्म है, प्रवृत्ति है, एक परिवार को चलाने का एक माध्यम है। अब उसके साथ धर्म रहे। भारतीय वाङ्मय में त्रिवर्ग बताया गया, अर्थ, काम और धर्म। सांसारिक यानी गृहस्थ जीवन में अर्थ भी चलता है, काम भी चलता है। ये दो पहिए हैं गार्हस्थ्य के, एक पहिया अर्थ और दूसरा पहिया काम। और यों भी कहा जा सकता है कि काम एक साध्य है, अर्थ उसका साधन है। तो ये दो पहिए हैं इस गार्हस्थ्य रूपी रथ के, परंतु एक संचालक नियामक भी होना चाहिए, वह है धर्म। अर्थ और काम पर धर्म का अंकुश रहना चाहिए। आज व्यापार और सदाचार यह विषय रखा हुआ है, तो हमें अर्थ और व्यापार के संदर्भ में कुछ बात बतानी है। यह बात तो बहुत स्पष्ट है कि अर्थ के बिना प्रायः काम नहीं चलता गृहस्थ आदमी का। साधु की बात हम छोड़ दें जो भिक्षा जीवी है, और भिक्षा के द्वारा या गृहस्थों के मकान में आवास करके या जंगलों आदि में आवास करके अपना जीवन चलाता है, वहाँ तो फिर भी हम मान लें बिना पैसे के काम चल जाए। अगर उतनी उत्कृष्ट साधना हो तो, परंतु गृहस्थ के लिए तो कठिन है पैसे के बिना जीवन चलाना। और पैसा न हो तो एक लज्जा की बात भी हो जाती है कि मांग मांग कर खाना पड़े। साधु मांग मांग कर खाए यह बुरी बात नहीं है, साधु को मांगने का अधिकार है, पर गृहस्थ हाथ फैलाए यह गौरव के अनुरूप बात नहीं होती। वो दयनीय होता, साधु दयनीय नहीं होता, वो तो श्रद्धेय होता है। पर गृहस्थ मांग मांग कर खाता है तो वह दयनीय हो जाता है। हालांकि गरीब को मांगना भी पड़ता है, इतना गरीब है कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता और कोई उपाय नहीं है, या तो अपराध में जाए या मांग मांग कर खाए। तो अपराध में जाने की अपेक्षा तो यह मांग कर खाना कम खराब चीज है, कम से कम अपराध तो नहीं करता बेचारा। और ऐसा जो गरीब है, तो एक उधर धनवान आदमी है तो उसका एक सांसारिक दायित्व सा भी होता है कि ऐसे गरीब को कुछ सहायता करे, एक लौकिक अनुकंपा की बात होती है। वो न करे अगर तो भी सामाजिक और सांसारिक जीवन में अच्छी बात नहीं होती।
एक कोई भिखमंगा किसी सेठ की हवेली में चला गया। तो सेठ कंजूस था, दान देना उसके बस की बात नहीं थी। तो भिखमंगा था कि सेठ साहब भूखा हूं, रोटी दो, कुछ खाने को दे दो। अरे भी हमारा काम संपन्न हो गया भोजन का, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, रोटी बाटी सब खाली, सब संपन्न हो गया काम। तो कहा सेठ साहब कोई पुराना आपका फटा हुआ चोला हो वो दे दो, मेरे पहनने में वो काम आ जाएगा, फटी हुई धोती हो, फटा हुआ चोला हो, ऐसा कुछ दे दो। कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो सेठ साहब आपकी ये फटी हुई जुतियाँ हो तो वो मुझे दे दो, चप्पलें वो भी मैं पहन के अपना काम चला लूँगा। कि नहीं, वो भी मेरे पास नहीं है। तो वो बेचारा झुंझला गया कि सेठ साहब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आओ मेरे साथ, हम दोनों भीख मांगेंगे। अब तो गृहस्थ जीवन में तो एक उदारता लौकिक दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। गृहस्थ मुंह का उत्तर न दे, वो हाथ का उत्तर दे। संस्कृत में कहा गया दानेन पानिर नतु कंकणे ने, कि हाथ का आभूषण कंकण नहीं दान होता है। साधु को दान देना तो लोकोत्तर धर्म की बात हो जाती है, वो तो बहुत ऊंची बात है ही, पर संसार में भूखे को, भिखमंगे को, जरूरतमंद को भी दान देना एक लौकिक अनुकंपा के रूप में, लौकिक उपकार के रूप में मान्य होता है। तो आदमी को पैसा चाहिए तो फिर यह कोई व्यवस्था बनाई गई कि ऐसा काम करो दूसरों की सेवा भी हो जाए और तुम्हारा काम भी चल सके। जैसा कि श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने अभी फरमाया कि व्यापार एक सेवा है, व्यापार के माध्यम से जनता की सेवा की जाती है। तो यो मानना चाहिए कि व्यापारी तो जनता का सेवक होता है, सहयोग करने वाला, सेवा करने वाला। जैन परंपरा के महान आचार्य उमास्वाति हुए हैं, उनका एक ग्रंथ है तत्वार्थ अधिगम, तत्वार्थाधिगम सूत्र। उसमें एक सूत्र आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीवों का परस्पर उपग्रह सहयोग से जीवन चलता है, काम चलता है। परस्पर सहयोग न हो तो काम कैसे चलेगा। अब एक आदमी को अनाज भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, चिकित्सा के लिए दवाई भी चाहिए, अब वो कहाँ से लाए। बाजार है तो बाजार में चला जाए, वहाँ कपड़ा भी मिल सकता है, दवाई भी मिल सकती है, अनाज भी मिल सकता है, यानी जीवन की अपेक्षाओं की पूर्ति बाजार से हो जाती है। तो कपड़ा बेचने वाला है, उसको अनाज चाहिए, वो अनाज की दुकान से अनाज प्राप्त कर लेगा, और अनाज की दुकान वाले को कपड़ा चाहिए, वो कपड़े की दुकान से कपड़ा प्राप्त कर लेगा। एक दूसरे के सहयोग से आदमी का जीवन चलता है। आप देखिए, एक रोटी आपके हाथ में खाने को, एक फुलका, एक चपाती आपके हाथ में आई है खाने को, उसमें कितने लोगों का सहयोग लगा है। किसान ने अनाज पैदा किया तो उसका श्रम लगा है, अनाज कोई व्यापारी की दुकान में पहुंचा तो व्यापारी का भी श्रम लगा, उसने आपको बेचा है। फिर आपने आटा पिसाया तो जिसने आटा पीसा उसका भी श्रम लगा है, फिर उस आटे को कोई लेकर के आया उसका भी श्रम लगा है, लाने के बाद महिलाओं ने, भाइयों ने खाना बनाया, फुलका बनाया तो उनका भी श्रम लगा है, और रसोई में लकड़ियां आदि लगी तो लकड़ियां लाने में किसी का श्रम लगा। कितने हाथ लगे हैं तब एक फुलका आपके हाथ में आया है।
यानी कितनों का सहयोग मिलता है तब हमारा जीवन चलता है। इसलिए यह आचार्य उमास्वाति का कथन बिल्कुल सत्य लग रहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, सामान्यतया एक दूसरे के सहयोग के बिना काम नहीं चलता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात फरमाई और अनुव्रत की बात आम जनता के लिए है और विभिन्न वर्गों के लिए अलग से भी नियम बनाए गए, व्यापारी के लिए क्या हो, कर्मचारी के लिए क्या हो, शिक्षक के लिए क्या हो, विद्यार्थी के लिए क्या हो, अधिकारी के लिए क्या हो, वोट देने के संदर्भ में क्या हो, तो ऐसे विभिन्न वर्गों के लिए भी अनुव्रत की आचार संहिताएं बनाई गई और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात को लेकर अनुव्रत को शुरू करने के बाद कितनी कितनी यात्राएं की, कहां कोलकाता पधारे थे, दिल्ली एमपी कहां कहां पधारे हैं और अनुव्रत की बात साथ में लेकर पधारे। गुरुदेव फरमाते कि जीवन में संयम आना चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए, व्यवहार में धार्मिकता बोलनी चाहिए। मैं कहा करता हूं कि बाजार में यानी दुकानों में नैतिकता की देवी विराजमान रहनी चाहिए। दुकानों में आपके अनेक फोटोज लगे हुए होते होंगे देवी देवताओं के, तो उसमें कोई विरोध की बात नहीं है, पर और फोटोज हैं, पर एक नैतिकता की देवी और वहां रहनी चाहिए। उसकी कोई फोटो की जरूरत नहीं है, वो तो आपके दुकान के व्यवसाय में विराजमान हो जाए नैतिकता की देवी और ऐसी पहरेदार के रूप में खड़ी रहे, कोई अनैतिक काम दुकान में नहीं होगा। आप लोग दुकान को मंदिर मान करके चलें, दुकान आपके लिए मंदिर है। जैसे मंदिर में गंदगी नहीं होती, नहीं ले जाते, मंदिर में सफाई आदि की बात होती है, तो आप दुकान को भी अपना मंदिर मान लें कि नैतिकता की देवी का मंदिर है, इसमें कोई गंदगी न हो जाए, कोई अनैतिक काम मेरे द्वारा न हो जाए। जैसा श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने फरमाया कि सेवा है, तो सेवा वास्तव में अच्छी तब होगी जब नैतिकता की देवी वहां खड़ी रहेगी, तब तो सेवा अच्छी होगी। और नैतिकता विहीन व्यापार हो जाता है फिर तो जैसा आपने कहा वो तो अपराध की बात हो जाएगी, सेवा क्या अपराध हो जाएगा साथ में। तो सेवा है, लौकिक सेवा है, पर उसके साथ नैतिकता का रहना, नैतिकता बड़ी बात है, वो होनी चाहिए।